रगड़ूंगी, ये देखे कि 5 दिन पहले हुआ था। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की नाराजगी तो आपने कई बार देखी जब वो अधिकारी पर अपना गुस्सा झाड़ते हुए नजर आई। प्रमिला पांडे ने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा था कि अब की बार नाला भरा तो उसी में डुबो देंगे। उन्होंने फटकारते हुए कहा था कि ये अधिकारी क्या मुझे बुद्धू समझता है, हट जाओ यहाँ से। वही अब कानपुर की मेयर की तरह ही लखनऊ की मेयर का भी धमकी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक अधिकारी को धमकाते हुए नजर आ रही हैं, बिल्कुल कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे की ही तरह। जी हाँ, बता दें कि 6 महीने से लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर वार्ड में नालियों की सफाई न होने से नाराज महापौर सुषमा खरकवाल का पारा चढ़ गया। निरीक्षण पर निकली महापौर से लोगों ने सफाई न होने की शिकायत की और महापौर ने खुद भी पाया कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है। इससे नाराज महापौर ने जोनल अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री से कहा कि इसी नाली में तुमको डुबोऊंगी मैं, काम नहीं करना है तो इस्तीफा देकर चले जाओ। जोनल अधिकारी का काम है सफाई को देखना। महापौर ने गंदगी को लेकर पार्षद रंजीत सिंह से भी नाराजगी जताई। मेयर साहिबा का धमकाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा आप भी सुनिए मेयर साहिबा किस तरह से अधिकारियों को धमका रही है। यही रगड़ूंगी, ये देखे कि 5 दिन पहले हुआ था, ये 5 दिन पहले हुआ, बताइए क्या समस्या है। अलंकार बोलिए, आप उधर क्या देख रहे हैं, बताइए क्या समस्या है। सीमा वाला भी एक जिम्मेदार किसके, दोनों अधिकारी तो देखा सुना आपने किस तरह से महापौर साहिबा का ये धमकी भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वैसे कहीं ना कहीं मेयर साहिबा का गुस्सा जायज भी है, क्योंकि कई ऐसे अधिकारी भी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त है और इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि इससे पहले आपने कानपुर की मेयर का भी वीडियो देखा था, जिसमें वो एक अधिकारी को धमकाते हुए नजर आई थी और उससे पहले उन्होंने एक बैठक में फाइल भी पे की थी। जरा आप भी उस वीडियो को देखिए। तो देखा सुना आपने, दोनों मेयर साहब का गुस्सा एक ही समान नजर आ रहा है।